यार जो शख्स नाबीना है उसे क्या पता कि ये फूलों की बहारें क्या होती, जो पैदाशी नाबीना है उसे क्या पता है कि आसमान पर बज़्मे कवाकब के रंग क्या है, उसे तितली के परों में कुदरत की सन्नाई का क्या अंदाजा हो सकता है, उसे मोर के परों में रंगों की मीनाकारी का क्या अंदाजा हो सकता है, उसे फूटते झरनों बहती नदियों और कौसे कजा की रंगीनी और धनक की शोखियों का लुत्फ कैसे नसीब हो सकता है, उसको क्या पता हुस्न क्या होता है, उसको क्या पता जमाल क्या होता है। इसी तरह जिसके दिल की आंख अंधी है उसे क्या पता है कि जमाल खुदा क्या होता है, उसे क्या पता है कि सजदे की लज्जत क्या होती है, उसे क्या पता है रकू और क्याम का मजा क्या होता है, उसे क्या पता है कि रोजे का सुरूर क्या होता है। तो अगर हम अपने दिल के मैल उतारेंगे तो दिल की आंखें खुलेंगी, तो फिर जिंदगी का लुत्फ आना शुरू होगा, फिर पता चलेगा इस्लाम क्या है, फिर पता चलेगा दीन क्या है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कुरान का मन काना फी हाज़ही आमा फवा फिल आखिरत आमा व अदल्लो सबीला, जो दुनिया में अंधा रहा कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाए। उससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, दिल की बेनूरी मुराद है। इकबाल ने कहा था, दिल बीना बिकर तलब खुदा से, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं, आंख का नूर और है दिल का नूर और है। तो जिस तरह आंख बेनूर हो जाए, आंख पर धुन जाला कुकरे और सफ़ेद और काला मोतिया उतर आए, तो हम सब कुछ बेच करके भी आंखों का नूर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यार कभी उजड़े हुए दिल का भी तो इलाज करवाओ। इलाज तुम्हारे घर में पड़ा है, रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और साथ रोया करो, देखना दिल के मैल उतरने शुरू हो जाएंगे और दिल के पर्दे से वो गलास्ते जब उतरेंगी तो फिर पता चलेगा कि दिल जमाले यार कैसे देखता है, दिल की दुनिया क्या है। विच्चे ही भेड़े विच्चे ही छेड़े विच्चे ही वंज महाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ, फिर पता चलेगा ये दिल दुनिया क्या है, फिर इसकी तड़प इसकी बेचैनी इसका इज्तराब जिंदगी का हासिल बन जाएगा, फिर जिंदगी की बेचैनियां दिल की बेचैनी और दिल का महबूब की याद में तड़पना तुम्हें सुरूर देगा, फिर तुम एक एक उजव में दिल मांगोगे, वो मजा दिया तड़पने मेरी आरजू है यारब, वो मजा दिया तड़पने मेरी आरजू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता, फिर समझ आएगी कि ये दिल कितनी कीमती शय है। अल्लाह ने बदन में आंखें भी दो रखी हैं, कान भी दो रखे हैं, हाथ और पांव भी दो रखे हैं, लेकिन दिल एक ही रखा है और दिल अर्शुल्ला है, अल्लाह का अर्श है, फिर पता चलेगा। तो आइए दिल से जंग उतारें मैल उतारें, दिल मुसफ़ा हो दिल खूबसूरत बन जाए, फिर दिल की कशकोल फैला के फिर अर्ज करें, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। लेकिन ये मैल कुचैल से हटा हुआ होगा तो गंदी जगहों पर महबूब तो नहीं आती, तो हसद हकद कीने बुगज नफरतें ये हम पाले रखते हैं, अपनी जिंदगी को हमने खुद बोझल बनाया हुआ है। मियाँ हसद करने से महसूद का क्या होगा, हम अपने आप को तलखी में मुबतला किए हुए हैं। बुग़्ज़ रखने से मबगूस का क्या होगा, हम अपने आप को बोझ में मुबतला किए हुए। तो अपने दिल से ये सारे बोझ उतार करके जब दिल को मुसफ़ा और मुजक्का करेंगे तो फिर देखिए कि दिल के आईने में कैसे जमाल यार दिखाई देता है। तो इस दिल की इस्लाह होगी कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने से। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो, देखना कि कैसे दिल के जंग उतरते हैं। बाज़ लोग बड़ी अजीब खबर सुनाते हैं, मियाँ तुम्हें कैसे पता? वो कहते हैं मैं रात अचानक नींद नहीं आ रही थी तो एक चैनल खोला तो उसमें ये खबर चल रही थी, तो मैंने कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी तूने चैनल खोला, काश तो कुरान खोल के बैठ जाता, तुझे वो दिखाई देता कि तेरा अंदर तेरा बाहर रोशन हो जाता। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान मजीद पढ़ने का मिजाज पैदा करें, अपनी सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करें, अपने दिन को समेटें, सोने की तैयारी करें, सूरह मुल्क से अपने मामलात को समेटें, ये चंद दिन करके देख लें। और अगर आपको मुआशी मसाइल हैं मुश्किलात हैं तो सूरह वाकिया इसके लिए अक्सीर है, सिर्फ 3 रुकू हैं, इतनी अक्सीर कि जिसकी ज़िंदगी में सूरह वाकिया आ गई वो मुश्किलात में मुब्तला नहीं होता, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे।